आज हम दोनों भाई जा रहे हैं मैकआउट। तो आज हम दोनों भाई जा रहे हैं मैकआउट और इस वीडियो में मैंने मैकआउट के बारे में सब कुछ बोला है। আমাদের গল্পগুলো অল্প সময় ঘর পাতালো, তারপর পথ হারালো তোমায় আমায় নিয়ে। ফাইনালি হাম লোগ আ গয়ে মেকআউট, তো আবি পুরা রিভিউ করেঙ্গে সব কুছ, র‍্যাঙ্ক, কাট অফ, লাস্ট ইয়ার প্যাকেজ সব কুছ বলেঙ্গে, লাস্ট ইয়ার কাট অফ, উসকে বাদ হোস্টেল কে বারে মে ভি। তো এন্ড তক দেখতে রাহো, চলো। पूरा जो एरिया है वो 40 एकर्स लेके है और सब जगह आप देख सकते हो वेल मेंटेड है। इधर लिफ्ट भी मैंने सुना है, तो अच्छा। और पूरा टाइल्स वाइल्स बिठा के, मतलब बहुत नया है, हमारे बाकी कॉलेज की तरह थोड़ा ओल्ड नहीं है। और दिस कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 2001, इसलिए बहुत नया है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है, दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैंपस। और अगर मैं बात करूँ तो इस लाइब्रेरी में 25,965 बुक्स है नॉर्मल, और ई बुक्स है दैट इज 10,131, ठीक है, इतना ई बुक्स है। बट एक बात है जो कि इन्होंने भी मेंशन किया, इनके पास शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, ठीक है, इसलिए इन्होंने भी मेंशन किया है, तो यही है। और एक बात है कि सिलेबस जो है वो थोड़ा ओल्ड है, जो सभी में होता है बेसिकली। तो अभी और दिखाएंगे आपको कट ऑफ के बारे में, इसके बाद बताएंगे, तो थोड़ा दिखाते हैं आपको। তো ভেসে যাই কবিতার কাছাকাছি, তত মনে হয় একঘেয়ে বেঁচে আছি, ভালো লাগা লুকিয়ে রেখেছিলে আড়ালে, ফিরে আসি চোখে তোমার দুগালে, যত দূরে যাই আমি মানুষের থেকে, একবার পাওনি আমায় তুমি ডেকে, চোখ যা আমি এখানটা প্যাকেজ, আমি বিবিএ পড়ছিলাম, আমার সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার ডান, বিবিএ 3 বছর করতে মোট 1,33,000 সামথিং লাগবে, তাছাড়া তোমার অ্যাডমিশন ফি বাদে, মানে অ্যাডমিশন বলতে কি যে তোমার এক্সামের আগে একটা ফি নেওয়া হয় 1,200 টাকা করে, আর রেজিস্ট্রেশন একবারে 500 টাকা দিয়ে হয়। তাছাড়া এখানকার সব বিবিএ, তো এই কলেজ মে বিটেক কে লিয়ে দো হি ডিপার্টমেন্ট হ্যায়, ওয়ান ইজ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাদার ইজ ইনফরমেশন টেকনোলজি। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के लास्ट ईयर, तो फिर सी एस सी का जो गया जनरल के लिए बोल रहा हूँ पहले, तो जनरल के लिए सी एस सी के लिए 5,138, उसके बाद आई टी के लिए 7,284, और अगर मैं ओ बी सी ए का बात करूँ तो ओ बी सी ए के लिए 13,572, और आई टी के लिए 18,305, और अगर मैं अभी ओ बी सी बी का बात करूँ तो ओ बी सी बी के लिए कंप्यूटर साइंस का दैट इज़ 6,677, और आई टी का 9,195। नाउ कम टू एस सी, एस सी कैटेगरी की बात करूँ तो फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो आया दैट इज़ 11,724, और ना ये कंप्यूटर साइंस का था, और आई टी के लिए 16,384। अभी अगर एस टी का बात करूँ तो एस टी में आया दैट इज सी एस सी के लिए 34,812, और आई टी के लिए 57,008, बहुत ज़्यादा है, चलो। और टी एफ डब्ल्यू भाई कोई नहीं बताता, मैं ही बता दे रहा हूँ, टी एफ डब्ल्यू का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था दैट इज सी एस सी के लिए 4,739, और आई टी के लिए 5,154। तो ये था सारा। अगर आपका डब्ल्यू में रैंक बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप टॉप प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छे ब्रांच से लेकर पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर नीचे जी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको फिलअप करिए, और कॉलेज एडमिशन नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वो आप जाके ऐड हो जाइए, उसके बाद बाकी का चीज़ वो टीम आपको आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो
এটা হচ্ছে একাডেমি বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছ তোমরা একাডেমি ওই সাইডটা হচ্ছে লাইব্রেরি ওটা হচ্ছে লাইব্রেরি আর ওইটা হচ্ছে তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর এইদিকে হোস্টেল আমরা তো এখন হোস্টেলে যাচ্ছি হোস্টেলে যারা ফোর্থ ইয়ার বলো থার্ড ইয়ার বলো তাদের সঙ্গে ডিসকাশন করবো যে কী বিষয় তাদের কেমন কলেজে পড়াশোনা বা কেমন সব বিষয় दादाओ कि ये जो पीछे आप देख रहे हो ओपन लाइब्रेरी है मैंने जब पहले देखा था कि ओपन लाइब्रेरी तो यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी में बुक्स वुक्स रहता है नहीं रहते क्योंकि बिलीव करो मैंने पहले भी आया था मैंने देखा था कि बहुत बुक्स रहते हैं लेकिन ये जगह खाली ही रहता है ये ओपन लाइब्रेरी है आप बैठ के कुछ दोस्तों के साथ बात कर सकते हो या फिर आके पढ़ सकते हो यहाँ पे बुक नहीं रहते लॉक्ड रहता है और कभी कभी खुला रहता है अभी तो यहाँ पे बुक्स नहीं रहते आप ऑलमोस्ट क्या बोलूँ कैंपस बड़ा है ठीक ठाक है सुंदर है बहुत ठीक है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे भाई मतलब सोच के देखो वहाँ से यात्रा आया सिर्फ तुम्हारे लिए ब्लॉक करने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तुमको ऐसा करो देखो हम दोनों की शक्ल देखो भाई काला पड़ गया अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने तुम्हारा भाई ये सब क्या ठीक है शादी वादी नहीं होगा हमारा वैसे भी इंजीनियर है पता है तुमको ये देख रहे हो पीछे बायोटेक बिल्डिंग है यहाँ पे सब रिसर्च और बाकी सब क्लास होता है बायोटेक्नोलॉजी का ठीक है बाकी ब्रांच है बीटेक के लिए लोग दो ही ब्रांच करते हैं लेकिन बाकी एमबीए और बाकी सब कोर्स भी यहाँ पे होते हैं आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हो ठीक है और यहाँ पे एक और नया बिल्डिंग बन रहा है कैंपस बहुत सही है अगर थोड़ा क्लाउडी हो ना तो फिर वेदर जो होगा अभी थोड़ा क्लाउडीनेस आ रहा है ठीक है ये देखो पीछे सारा क्लाउड है तो ये सब जो देख रहे हो ये वर्कशॉप है मैकेनिकल का पीछे वाला मैकेनिकल हाँ ये वाला फूड साइंस टेक्नोलॉजी वर्कशॉप है सामने और एक वर्कशॉप है मतलब लाइन गेस्ट हाउस भी बहुत बढ़िया है भाई एकदम नया नया यहाँ पे गेस्ट होके आके भी बहुत मजा आया भाई मैं दिल तो गार्डन गार्डन हो गया ये सब देख के मेरा सही लग रहा है आप लोग देख सकते हैं नैनों की काट ले जा नैनों की नहीं अभी हम लोग बीच के सामने आ गए भाई बहुत ही अच्छा हॉस्टल है बहुत ही अच्छा मतलब अंदर लिफ्ट भी है और पूरा टाइल्स बैठा बिछाया हुआ है और एक बात सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे आगे अगर सोच रहे हो कि ये तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा ये कर दूंगा कुछ नहीं ठीक है तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया ना वो ना यहाँ पे नहीं होता इंजॉय करो वो जरूर कर सकते हो तो अभी फैजी हमारे साथ है तो अभी ये बोलेंगे कि कॉलेज के बारे में हॉस्टल के बारे में हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर और प्लस कुछ फीस स्ट्रक्चर कैसा है कैसा फीस देना पड़ता है हॉस्टल तो हॉस्टल का जो फीस है वो 9700 है पर्सन पर सेमेस्टर ओके और फिर जो पर सेमेस्टर जो ट्यूशन फीस है जो सेमेस्टर फीस है वो है आपका 20,000 पूरा कोर्स का फीस है आपका 1,39,000 और टी एफ डब्ल्यू होगा तो 25,000 में काम हो जाएगा फोर ईयर का ठीक है और फूड क्वालिटी कैसा है मतलब फूड अच्छा ही है आप देख सकते हैं चिकन है और इसमें इंक्लूड नहीं होता मील मतलब आपके आपकी तरह आके आप खा के चला जा सकते खा के चला जा सकते हो और तुरंत ही आपको पैसा देना है और बाकी सब कुछ उसके बारे में कुछ बताओ बाकी सब सही है मतलब जो खुराफत जिम बहुत बढ़िया मैंने देखा वो जो खुराफत ही करते हैं ना सब लोग बाकी हॉस्टल में तोड़फोड़ या फिर सोना सीसीटीवी कैमरा है उसमें कोई दिक्कत नहीं वो सब कुछ नहीं होता है एंजॉयमेंट होता है लास्ट डे में पता नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक से ही रहते हैं क्या फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट ईयर जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड ईयर का भी फर्स्ट फ्लोर मतलब जो जितना और रैगिंग वगैरह कुछ एक ही साथ रहते हो तो कुछ ना कुछ देखो मैं भी जलपाईगुड़ी में रहता हूँ मतलब क्या क्या इंट्रो होता है इंट्रो हाँ हमारे वहाँ पे अभी इंट्रो चल रहा है जैसे इंट्रो क्या होता है ये इंट्रो
कंप्यूटर आर्टिस्ट को देखो ऑन कैंपस पता नहीं उतना 15 लाख सुना है पर एक्चुअली नहीं पता सुतुल सुना है अभी ठीक से नहीं पता और अभी सीखना आता है मतलब सीओ आई टी 7-8 भैया जूनियर के लिए कुछ बोल दो भाई कोई जूनियर आए मतलब तुम जैसे पढ़ोगे वैसे ही मतलब इधर पे तुम आके तुम अपना मर्जी से पढ़ाई कर सकते हो तो अभी भाई चिलिंग मारेगा चल स्टार्ट कर कौन सा वाला मारूं हां एक नहीं हो रहा है कर कर यदि फाटे वाओ ब्यूटीफुल भाई वॉशिंग मशीन भाई का ये हमारा दोस्त का तो सेकंड ईयर में जब चले जाएगा इस रूम पे आ जाइयो तो देखो ब्रो बेड देखिए एक रूम में कितने लोग रहते हैं ये सब लॉकर भी दिया है भाई देखो लॉकर इंडक्शन है एक रूम में कितने लोग अलाउड तीन मतलब फर्स्ट 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 ईयर में थ्री और सेकंड ईयर में टू उसके बाद थर्ड ईयर थर्ड ईयर में टू और फोर्थ ईयर में सिंगल रूम मैं तो अभी हम लोग जा रहे छत पे लिफ्ट उस साइड है हम लोग इस साइड से सीधे जाएंगे अब जैसे देख सकते हो वो दूल्हे वो स्टाफ क्वार्टर है ठीक है वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर पे बहुत गेस्ट हाउस है गेस्ट हाउस मतलब येलो वाला हाँ और ये इस साइड के ठीक है ये भाई हमारा भाई लिफ्ट पे जाएगा और उस साइड एक और फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट चल रहे देख सकते हो अभी हम लोग हवा खाने जाते हैं चलो अभी हवा खाने जाते हैं वाह देखो पता नहीं लिखना चल में क्या कैसा फील होता है मेरे को कैसा लगता है सर पे कोई ट्रक दिया हम लोग दो भाई यहाँ पे आए सब ने बहुत बहुत ही अच्छा बिहेव किया हमारे साथ हमको दिखाया पे हॉस्टल दिखाया आपने देखा हमारा दोस्त ने ठीक है यहाँ पे आके दोस्त बन गया मतलब बहुत अच्छा है सीनियर लोग भी बहुत नंबर भी एक्सचेंज हो गया उसका घर भाई के कॉलेज को है और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल का नहीं मैंने कैंटीन का खाना है ठीक है यहाँ पे खाना चीज बोलना चाह रहा हूँ कि कॉलेज वाकई में बहुत बढ़िया है हॉस्टल भी बहुत बढ़िया है और जो पैकेज के बारे में जो मैंने बताया था कि पैकेज जो हाईएस्ट है वो 15 LPA बोला तो वही है और एवरेज जो है 4-5 LPA ठीक है और अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज में हो रहा है तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं बिकॉज पैकेज इज मेन ठीक है अगर हो रहा है तो ये कॉलेज भी सही है बुरा नहीं है बाकी कॉलेज से फर्स्ट आपका जो अगर आपको जानना है कि कौन से कॉलेज का परफेक्ट है मतलब फर्स्ट जेई उसके बाद कौन सा है और टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हो और उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है ठीक है तो कॉलेज अगर आपको और कोई क्वेश्चन है कि इस कॉलेज रिलेटेड तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर अगर आपको डब्ल्यू जी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर नीचे आपको लिंक दिया गया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो अभी खाना खा के देखते और खाने का जो रिव्यू है वो मेरे भैया से ज़्यादा अच्छा कोई दे नहीं सकते ठीक है वो भूखा आदमी सिर्फ खाते ही आता है ठीक है मेरे से भी क्या बोलते हैं वो मेरे से भी लेके खा लेता है इसलिए देखो मेरा बॉडी और उसका बॉडी देखा देख लो हाँ चुरा के खाने वाले तेरा मुँह काला 65 रुपीज़ में क्या मिला देखो चिकन दो पीस चिकन दिया पापड़ दाल और सोयाबीन तो पहले सोयाबीन से स्टार्ट करते हैं गुड चिकन की बारी काफ़ी अच्छा है 65 रुपीज़ में ऑल कॉम्बो स्वाद भी अच्छा है हाँ नॉर्मल में से अच्छा है ठीक है मतलब ठीक ठाक है आप खा सकते हो बुरा नहीं है अच्छा है तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा ठीक है तो ज़िंदगी जीते रहिए सिर्फ काटिए अमर मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक टाटा वंदे मातरम और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दियो ठीक है और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पौधा बदस को सब्सक्राइब करो हम और इस तरीके से फनी ब्लॉग काइंड ऑफ और जो कैंपस रिव्यू ये सब लाते रहेंगे और लाते हैं तो सब्सक्राइब करो बाकी सब देखने के लिए ठीक है तो टाटा वंदे मातरम